और सचिन पायलट मिलकर उम्मीदवार तय करेंगे। भाजपा टिकट किसी को भी दें, लेकिन यहां के जातिगत और राजनीतिक समीकरण कांग्रेस के पक्ष में हैं और कितनी ताकत काम आएगी ये कहना अभी बेकार है। इस बार हनुमान बेनीवाल फिर से इस सीट पर अपने भाई या पत्नी को चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि बृजेंद्र ओड़ा की बहू आकांक्षा ओड़ा को टिकट मिलेगा। राजस्थान में अगले 3 महीने में 6 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होगा। इनमें से 5 सीटों पर सिटिंग विधायकों के MP इलेक्शन लड़ने के कारण खाली हुई है, तो उदयपुर जिले की लोम्बर सीट भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन होने के कारण खाली हुई है। नागौर के खीमसर विधायक रहे हनुमान बेनीवाल लगातार दूसरी बार नागौर से सांसद बने, जो पिछले साल दिसंबर में ही खीमसर से लगातार चौथी बार विधायक बने थे। झुंझुनू की झुंझुनू सीट से कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं। दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा दौसा से सांसद बन चुके हैं। देवली उनियारा से विधायक हरीश मीणा टोंक सवाईमाधोपुर से सांसद बन चुके हैं, तो 84 सीट से विधायक राजकुमार रोहत बांसवाड़ा से सांसद बन चुके हैं। इस तरह से 5 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं। इनमें से 3 कांग्रेस के पास थी, 1 RLP के पास और 1 BAP के पास थी। अब सलूम्बर सीट भाजपा विधायक के निधन के कारण खाली हो चुकी है। इस तरह से 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस 5 सीटों पर अपने प्रभारी बनाकर तैयारी जोरों पर कर रही है, तो BAP ने दक्षिणी राजस्थान में भील प्रदेश के सहारे 84 विधानसभा सीट पर फिर से दावा ठोक दिया है। खीमसर विधानसभा सीट को हनुमान बेनीवाल नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार उपचुनाव में उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को जिताया था। इस बार हनुमान बेनीवाल फिर से इस सीट पर अपने भाई या पत्नी को चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। चर्चा है कि पिछले बार भाई को जिताया था, इसलिए इस बार अपनी पत्नी को विधानसभा भेजना चाहते हैं। हालांकि RLP के कार्यकर्ता भी दमदार तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर भी किसी अन्य के लिए संभावना नहीं के बराबर है। जब से खीमसर सीट अस्तित्व में आई है, तब से यहां पर 4 बार हनुमान बेनीवाल और 1 उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि आखिरी चुनाव में हनुमान बेनीवाल को भाजपा के रेवंत राम डांगा ने कड़ी टक्कर दी थी। दिसंबर 2023 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल केवल 2,069 वोट से बमुश्किल जीत पाए थे। फिर भी उनका दावा काफी मजबूत है। विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के कारण इस बार उनको राजस्थान की प्रमुख विपक्षी पार्टी का सहारा मिलने की पूरी उम्मीद है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का अलायंस होगा। ऐसे में वोट प्रतिशत की बात करें तो हनुमान बेनीवाल को 79,492 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के रेवंत राम डांगा को 77,473 वोट मिले थे। ठीक ऐसे ही कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा को 27,763 वोट मिले थे। यदि इस बार कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल के साथ रहती है तो दोनों का मिलकर 1 लाख से अधिक वोट हो जाता है। ऊपर से सांसद के एक रूप में चुने जाने के बाद विधायकी में करवाए गए कामों का भी फायदा हनुमान बेनीवाल को मिलेगा। कांग्रेस की यहां पर हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस करने की मजबूरी है। उसे पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हनुमान बेनीवाल को इंडिया अलायंस में बनाए रखने के लिए कांग्रेस को RLP से अलायंस रखना होगा। दूसरी सीट झुंझुनू है, जहां पर ब्रजेंद्र ओला अब झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। यहां पर ओला परिवार का दबदबा रहा है। ब्रजेंद्र ओला यहां दिसंबर 2023 में लगातार चौथी बार विधायक का चुनाव जीते थे, जबकि झुंझुनू लोकसभा सीट उनके पिता शीशराम ओला की परंपरागत सीट मानी जाती है। झुंझुनू सीट पर वैसे तो कई कांग्रेसी दावेदार हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि ब्रजेंद्र ओला की बहू आकांक्षा ओला को टिकट मिलेगा, जो शीशराम ओला के समय से ही पर्दे के पीछे से राजनीति में खासी सक्रिय रही हैं। ब्रजेंद्र ओला ने 2023 में यहां पर 86,798 वोट लेकर 28,863 वोटों से जीत हासिल की थी। भाजपा के बबलू चौधरी को 57,935 वोट मिले थे, जबकि 42,407 वोट लेकर राजेंद्र सिंह बामू तीसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा इस बार किसको टिकट देगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि राजेंद्र भामू और भाजपा के बबलू चौधरी एक साथ आते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है, अन्यथा ओला परिवार एक बार फिर से भारी पड़ने वाला है। तीसरी सीट दौसा है, जहां पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने 98,238 वोट लेकर भाजपा के शंकरलाल शर्मा को 31,204 वोटों से हराया था। यहां पर भी मुरारी लाल के दौसा सांसद बनने के कारण उपचुनाव होने वाला है। भाजपा में यहां पर खींचतान मची हुई है। कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व सांसद जसकोर मीणा के बीच खींचतान लंबे समय से चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाहते हैं, तो जसकोर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा को उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। इससे पहले दोनों के बीच लोकसभा चुनाव में भी जंग रही थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और मुरारी लाल मीणा जीत गए थे। दौसा विधानसभा सीट पर मीणा गुर्जर बाहुल में हैं, इसलिए मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट मिलकर उम्मीदवार तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस सीट को अपनी सुरक्षित सीट मानती है, इसलिए प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। भाजपा के पास यहां पर दमदार चेहरा नहीं है। भाजपा यदि जगमोहन मीणा को टिकट देती है तो कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है, अन्यथा भाजपा के लिए यहां के रास्ते भी बंद पड़े हैं। इस सीट पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा
तीन बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस कभी नहीं जीती है। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के हरीश मीणा लगातार दूसरी बार विधायक बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको टोंक सवाई माधोपुर से टिकट मिला और जीत गए। इसके कारण देवली उनियारा सीट खाली पड़ी है। अब यहाँ पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट तैयार होती जा रही है। इस सीट पर सबसे अधिक गुर्जर मीणा मतदाता है, इसलिए सचिन पायलट और हरीश मीणा की पसंद का उम्मीदवार बनना तय है। सचिन पायलट और हरीश मीणा प्रचार करेंगे तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा। भाजपा ने पिछली बार विजय बैंसला को टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। विजय बैंसला फिर से टिकट मांग रहे हैं, साथ ही उनकी बहन भी टिकट की दावेदारी जता रही है। तो पिछले चुनाव में RLP के उम्मीदवार रहे डॉक्टर विक्रम गुर्जर भी दावेदार हैं। भाजपा टिकट किसी को भी दे, लेकिन यहाँ के जातिगत और राजनीतिक समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है। पांचवी सीट 84 है, जहाँ से राजकुमार रोत बांसवाड़ा के सांसद बन चुके हैं। राजकुमार ने यहाँ दूसरी जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सुशील कटारा को करीब 69,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस के ताराचंद भगोरा करीब 28,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने BAP के टिकट पर बांसवाड़ा से चुनाव लड़ा और भाजपा के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2,47,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय उससे पहले बागीदौरा से कांग्रेस के विधायक थे। लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत मालवीय ने भाजपा ज्वाइन कर बांसवाड़ा से चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। अब मालवीय न तो विधायक हैं और न ही सांसद बन पाए हैं, जबकि कांग्रेस में उनका कद बड़ा था। एक समय वो प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के भी दावेदार थे, लेकिन जब उनको नहीं बनाया गया तो भाजपा ज्वाइन कर ली। मालवीय कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता माने जाते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। BAP और BTP के कारण हालात ये हो गए हैं कि भाजपा कांग्रेस को यहाँ पर चुनाव लड़ने से पसीने छूट रहे हैं। इसलिए 84 सीट पर टिकट का फैसला राजकुमार रोत और BAP मिलकर करेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूरन BAP का साथ देना पड़ा था, ठीक वैसे ही इस उपचुनाव में भी उसे BAP से अलायंस करना होगा। उदयपुर की आदिवासी सीट सलूमपुर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का हाल ही में निधन हो गया है। इसके चलते ये सीट भी खाली हो गई है। अमृतलाल मीणा तीसरी बार विधायक थे। दिसंबर 2023 में वो 14,691 वोटों से जीते थे। इस सीट पर भी अब आदिवासी पार्टियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आदिवासी पार्टियां और उनके सांसद विधायक भीलों के नाम पर भील प्रदेश की मांग करते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनको ईसाई बनाया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा की सभी विधानसभा सीटों पर 25 से लेकर 35,000 तक आदिवासी ईसाई बनाए जा चुके हैं। इसी तरह से प्रतापगढ़ उदयपुर जैसे जिलों में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जब कोई हिंदू या अन्य धर्म का व्यक्ति मुस्लिम बनता है तो उसका नाम बदल लिया जाता है, लेकिन ईसाई बनने के बाद भी मिशनरियों द्वारा लोगों का नाम नहीं बदला जाता है। इसलिए किसी को भी पता नहीं चलता है कि कौन किस धर्म को मान रहा है। जिसका धर्मांतरण हो चुका है वो लोग भी आदिवासियों की सुविधाओं का सुख भोग रहे हैं। सलोम्बर में भाजपा किसे टिकट देगी ये कहना काफी कठिन है। हालांकि अमृतलाल मीणा का निधन होने के कारण उनके परिवार से किसी को टिकट देकर सहानुभूति का फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है। यदि यहाँ पर टिकट अमृतलाल मीणा के परिवार को नहीं दिया जाएगा तो भाजपा की राह बेहद कठिन होगी। इस तरह से देखा जाए तो सभी 6 सीटों पर भाजपा मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। अब बात पार्टियों में गुटबाजी होने से होने वाले नुकसान की करें तो कांग्रेस में गहलोत के कमजोर पड़ने और डोटासरा जूली के मजबूत होने के कारण नए समीकरण बन रहे हैं। झुंझुनू दौसा देवली उनियारा में टिकट सचिन पायलट कैंप से मिलेगा, जबकि खींवसर सीट पूरी तरह हनुमान बेनीवाल पर निर्भर करती है। बांसवाड़ा की 84 विधानसभा सीट में BAP हावी है, तो सलूम्बर में दोनों प्रमुख दलों के अलावा आदिवासी दलों की भी महती भूमिका रहने वाली है। यानी इस उपचुनाव में विपक्ष के पास कई मोहरे होंगे, जबकि भाजपा के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के कंधों पर भारी वजन होगा। इस चुनाव में राज्य की सत्ता का खास रोल नहीं होगा, जिससे राज्य की जनता बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। इस उपचुनाव में भाजपा की तरफ से कौन ताकत लगाएगा और कितनी ताकत काम आएगी ये कहना अभी बेकार है। केवल दौसा देवली उनियारा सीटों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की निर्णायक भूमिका होगी, यदि भाजपा संगठन ने उनकी ताकत का सही इस्तेमाल किया। बाकी भाजपा के पास आज की तारीख में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने दम पर इनमें से कोई एक भी सीट जीता सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।